हेलो एवरीवन, आपके वेलकम के साथ त्योहारों के बाद। भाई त्योहारों में एक तो हमारी हुई है मेहनत और दूसरी खान पान भी जो है वो आपको और हमें सबको पता है बहुत ही कुछ होता है एक्स्ट्रा सा। तो उसके बाद आज हम बनाएंगे, एक तो हमारी मेहनत होगी बहुत ही कम और दूसरा सिर्फ एक ये चीज़ आप बना लें बिल्कुल हेल्दी सी और साथ में बहुत ही टेस्टी सी। गेहूं के आटे से बनाएंगे हम इसे। लिया हुआ है एक कटोरी गेहूं का आटा और बर्तन हम लेंगे जिसमें हमें इसका डो तैयार करना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे एक कटोरी आटे में एक बड़ा चम्मच मैंने लिया हुआ है देसी घी का और एक चम्मच लिया है घी, तो यहाँ पर दो चम्मच हम डालेंगे पानी। नॉर्मल टेम्परेचर का है ये पानी। इसे डालकर बस कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से हमें फेंटना है, बीट करना है, जिससे ये आपस में अच्छे से मिल जाए, बिल्कुल स्मूथ सी ये हो जाएंगी। ऐसी करने के बाद दूसरी तरफ एक जार में मैंने लिया हुआ है ताज़ा हरा धनिया। इसकी डंठल बिल्कुल ही सॉफ्ट है तो इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, उसी में डाल देंगे। अगर आपकी बिल्कुल ही ज़्यादा ये हार्ड सी है, नहीं पीस पाए, तो आप इसके डंठल को हटा दें। यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च। दो तीन में डाल रही हूँ हरी मिर्च को। थोड़ा और आपको तीखा खाना है तो मिर्चों की मात्रा एक तो और बढ़ा लें। अदरक का एक टुकड़ा और इसमें बिल्कुल जरा सा पानी को डालकर एक से दो चम्मच डालेंगे पानी और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। इसे पीसते समय आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया फिर ये बिल्कुल आपकी स्मूथ सी नहीं पीस पाएगी। अब जार में जो लगा हुआ है इसमें भी हम पानी को डालकर थोड़ा सा पानी को डाल देंगे, दो तीन चम्मच। इसे भी हम निकाल लेंगे अपने घी वाले बर्तन में। और यहाँ पर चलिए अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले। पहले इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। कुछ सेकंड के लिए फेंटने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तिल को मैं डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल। जायका भी आएगा, स्वाद भी बढ़ेगा। तिल को डालेंगे और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन। एक तो ये करेगा हमारे लिए पेट के लिए बहुत ही फायदे का काम, साथ ही ये जायका टेस्ट भी बढ़ाएगा। हाथों से इसे थोड़ा सा क्रश करके हम इसमें डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बढ़कर आएगा। एक चम्मच मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा, छोटा वाला है चम्मच। साथ में देगी मिर्च एक छोटी चम्मच। हल्दी डालनी है हमें एक छोटी चम्मच की आधी। एक ही छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला हुआ है धनिया का पाउडर। और अब हम यहाँ पर डालेंगे काला नमक बिल्कुल जरा सा। तो जब आप नमक डालेंगे इसका ध्यान रखेंगे कि आगे हमें इसमें काला नमक भी डालना है। अब यहाँ पर गरम मसाला है एक चौथाई है छोटे चम्मच की और इन्हें आपस में अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए फेंट देंगे। चिली फ्लेक्स अगर थोड़ा सा चटपटा बनाना है क्योंकि इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। एक चम्मच मैं ले रही हूँ बड़ी चम्मच बेसन। इन सबको आपस में अच्छे से हम मिला देंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को इसमें हमने डाल दिया हुआ है फिर अपने आटा को, जो आटा हमने रखा हुआ था। इसे गूंथते समय हम इसका ध्यान रखेंगे, जब हम इसका डो तैयार करेंगे पानी की जरा जरा सी छींट को हम डालेंगे, क्योंकि पहले जो था वही हमारा सेमी लिक्विड फॉर्म में था। हमने धनिया को पीस के डाला था, इसमें घी था, तो इसमें आप पानी एक ही बार स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो आपकी ये बिल्कुल हो जाएगी लूज। तो जरा जरा सी पानी के छींटों को डाल के बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा हमें इसका डो तैयार करना है, जिसे हम गूथना मांडना भी कहते हैं, वैसे आप इसे करेंगे। और ये ना तो हमारी रहेगी बिल्कुल हार्ड सी, ना आप इसे बिल्कुल कर देंगे लूज़ गीली। इसे रेस्ट के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। और बनाने से पहले इसे फिर से कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं बस कुछ देर के लिए, अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए गूंथ देंगे। और अब इसकी लोई लेकर दो तरीके से हम इसे बनाएंगे। एक तो हम इसे बेलेंगे जैसे हम पराठों के लिए बेलते हैं, वैसे इसे बेल के। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतली नहीं रखनी है, आप चाहें तो हल्की सी भले ही मोटी कर लें, पतली बिल्कुल भी ना रखें। पिसा हुआ वही हमारा हरा धनिया, मिर्च और अदरक का पेस्ट, इसे हम थोड़ा सा चारों तरफ फैला देंगे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। और इसके बाद बीच से लगाएंगे हम कट और इसे यूं करके कर देंगे हम फोल्ड। अगर आपको इसे टिफ़िन में या फिर लंच में, बच्चों को टिफ़िन में देना है या फिर लंच पैक करना है, वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। या तो आप ऐसे बनाएं या फिर सिंपली इसकी हम लेंगे लोई
और इसे हम बेल लेंगे। अच्छे से बेलने के बाद जिसे हमें बिल्कुल पतली बिल्कुल ही नहीं रखनी है, तो चारों तरफ से किनारों को काट के हटा दें। और हटाने के बाद अब इसे हम गर्म तवे पर डालकर बिल्कुल पराठों की तरह अच्छे से सेकेंगे। जब एक तरह से ये सिक जाए उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ से सेकेंगे। और इसे सेकते समय फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, लो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको तुरंत बहुत ही अच्छा कलर नहीं आएगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं, बेसन डाला हुआ है, थोड़े थोड़े मसाले डाले हुए हैं, तो आप इसे फ्लेम को मीडियम करके रखें। लो पे करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड सी बन जाएगी। अब इसमें हम लगाएंगे, आपको तेल लगाना है, घी लगाना है। मैं ब्रश से लगा रही हूँ जिससे हमारा तेल या घी जो भी हम लगाते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लगती है कम, और बिल्कुल सुनहरा सुनहरा नहीं, जैसे हम पराठों को सेकते हैं थोड़ी सी करारी सी, वैसी आप सेक लें। एक ही आँच पे इसे आप सेकें जिससे आपके ये जो पराठे हैं बिल्कुल ही बनेगी सॉफ्ट। इसके साथ आपको सब्जी छोड़िए, अचार की चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा इसका आता है टेस्ट। बच्चों को टिफ़िन में देना है तो आप इसे ऐसे करिए रोल और बच्चों को दे दें। देखिए है ना कितनी ये सॉफ्ट, बिना टूटे ये हो जा रही है हमारी फोल्ड। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।